स्टेट साथ में क्लोरफेनिरमाइन मेलेट या सीपीएम सीपीएम या एविल फिनेरमाइन मेलेट। देखो बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो सीपीएम इंजेक्शन है वो बेलामाइल इंजेक्शन के साथ मिला करके लगाते हैं तो इससे लगाने से क्या बेनिफिट होगा, ज़्यादा फायदा होगा या नहीं, या साथ में मिला करके लगाना चाहिए साथ में, यानी एक ही सिरिंज में आपको बेलामाइल और एक ही सिरिंज में आपको सीपीएम यानी क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, ये दोनों साथ में लगाने से क्या ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, या लगाना सही है या नहीं या गलत है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। बहुत ही जो वेटनेरियन है इस तरह को जो मिला करके या नहीं मिला करके किस तरह से आपको देना चाहिए और ज़्यादातर वेटनेरियन किस तरह से करते हैं या किस स्थिति में देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा बताया जाएगा। जो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और लाल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर स्टेट जो इंजेक्शन आता है साथ में क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन, क्यों आप यदि किसी भी तरह की जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग, कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज है या बहुत इस तरह की पेट से संबंधित बीमारी है उनमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, यदि आपको सीपीएम में इस बेलामाइल को मिलाकर के लगाने की क्या जरूरत है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है किसी भी इंजेक्शन को, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो अकेला अलग अलग से लगाएं उस इंजेक्शन का बेटर रिजल्ट मिलेगा, यदि आप सीपीएम के साथ इस इंजेक्शन को घोल करके लगा रहे हैं तो ये देख लेना चाहिए कि 100 में से आपको 70% ही आपको रिजल्ट मिलेगा 100% में से, तो आप क्यों इनको साथ मिला करके लगाएं। हालांकि दोनों को साथ में मिला करके लगाने से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट बेलामाइल इंजेक्शन का रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप इसे अकेला लगाएंगे, इसलिए आप कभी भी आप यदि बेलामाइल जितने भी वेटनेरियन देख रहे हैं बेलामाइल और सीपीएम इंजेक्शन दोनों आप अलग अलग लगाएं, एक ही सिरिंज में घोल करके न लगाएं, यदि लगाएंगे तो उस पशु में आपको इतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों मिला करके इस इंजेक्शन को एक साथ लगाते हैं, क्या मिलता है, इसलिए बेटर ही है जितने भी जो वेटनेरियन है अलग अलग लगाएंगे इंजेक्शन, जितने भी जो इंजेक्शन आते हैं सीपीएम में आप ज़्यादातर जो इंजेक्शनों को घोलते हैं उससे क्या होता है कि उन इंजेक्शनों का रिजल्ट आपको कम देखने को मिलता है, इसलिए आप जो भी इंजेक्शन होते हैं उन इंजेक्शनों को अलग अलग तरीके से अलग ही लगाएंगे तभी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात दोनों इंजेक्शन के बारे में, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है कि बेलामाइल इंजेक्शन क्या काम करता है, सीपीएम क्या काम करता है, एविल क्या काम करता है, इसी तरह से आप एविल का भी आप प्रयोग साथ में न करें, दोनों एक ही तरह के इंजेक्शन है इसलिए आप दोनों इंजेक्शनों को अलग विधि से ही लगाएं। दोनों इंजेक्शन है जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसी तरह से यदि आपको और भी कोई दिक्कत है किसी भी इंजेक्शन के बारे में पूछना है कि कौन से इंजेक्शन साथ में मिला करके लगा सकते हैं या क्रिटिकल स्टेज पशु के हो जाए या कौन से इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, कमेंट में लिखिए, आपको इस चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो मिल जाएगी।